योग ये एक प्रैक्टिस है, हम बोलेंगे ये अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है, जो माइंड बॉडी एंड सोल ये तीनों चीज़ों को लेके जो मतलब हीलिंग इससे जो होती है, रिफ्रेशिंग जो होता है इसमें। और अगर आप देखेंगे ये जब करते हो ना आप, अपने आप एक एनर्जी आपके बॉडी में आएगी, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कुछ चीज़ मिस कर रहे थे। हम लोग जो ब्रीथ करते हैं उसका सही मायने में जो प्रोसेस जो होता है एक्चुअली ब्रीदिंग का यूज़ क्या होता है, जो हवा जिसको यूटिलाइज हम लोग सिर्फ यूँ ही करते हैं, हमको पता ही नहीं है कि राइट से नोस्ट्रल से भी ब्रीदिंग होती है, लेफ्ट से भी ब्रीदिंग अलग होती है। योग में हमको ये सिखाया जाता है कि अगर हमारे बॉडी में एग्रेशन ज़्यादा है तो यूजुअली हमारा राइट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग होती है, और अगर हमारा बिहेवियर काम है तो हमारे लेफ्ट से ब्रीदिंग होती है। तो ये नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। और आजकल लोग एलोपैथिक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा ये करते हैं और उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होता है, लेकिन योगा अगर आप सीखोगे तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स, हर एक अंग, हर एक ऑर्गन, यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन, हर एक चीज़ हील करने का पावर योगा रखता है, और ये हमने हमारे गुरुजी से सीखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, यहाँ तक कि हमारी जो गुरु, हमारी जो टीचर है वो 64 ईयर ओल्ड है, वो एक सीनियर सिटीजन है, वो सिखा रही है, और हमारे जो गुरुजी हैं वो 80 ईयर से नमाव है। तो उनको देखकर ही हम लोग को ये प्रेरणा मिलती है कि मेडिसिन से ज़्यादा अगर मतलब ज़रूरत नहीं आने पर हम लोग खा लेते हैं तो जो नॉर्मल चीज़ है, जैसे अगर सर दर्द हो रहा है तो आप एक हल्का सा प्राणायाम जो अनुलोम विलोम बोलते हैं अगर वो कर लो तो उसमें ही आपको ऑटोमेटिकली वो हेडेक फील हो जाता है, आपको पैरासिटामोल या इब्रुप्रोफेन हेडेक की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।